हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आई थी गांव और आज मैं आपको अपना पुराना घर दिखाऊंगी जिधर हम रहते थे। इस घर को छोड़े हुए हो गए हैं समथिंग 9 साल और अब घर एकदम से खंडर सा हो गया है। तो आज हमने उसकी सफाई की थी मॉर्निंग में और अभी थोड़ा बहुत और मम्मी सफाई कर रही है उसकी। ये है मेरी भतीजी परी परवारिया। इस परवारिया को मैंने ही ब्रांड बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना पुराना घर चल के। तो गाइस, जब हम रहते थे तब तो अच्छा था, बट अब बहुत टाइम हो गया ना घर को छोड़े तो एकदम खंडर सा हो गया है। इनको हो गए 6 मंथ। 6 मंथ नहीं थे, 9 साल हो गए। कही चाहिए मेरे भैया टकला हो गया ये। हटे भैया, ये टकला हो गया है। गाइस, इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको वो रूम भी दिखाती हूँ जहाँ पे दीपक और मैं रियाज करते थे। और अभी इस घर में लाइट भी नहीं है तो मैं अंदर चलती हूँ। और इस घर में लाइट नहीं है, लाइट का कनेक्शन कट गया है। ये हमारा पुराना घर है। आज भी हमें किया पूरी तरह से सफाई और मम्मा अभी भी सफाई कर रही हैं। सफाई अभियान चल रहा है हमारे घर में। ये मेरी भतीजी है। हाय हाय सर। धूल तो हो रही है। सो गाइस, ये बहुत स्पेशल रूम है। इसकी दिक्कत की मेरी बहुत सारी यादें हैं। इधर हम हारमोनियम बजाते थे। बिल्ला बिल्ली नहीं है, बिल्ला बल्ला है ये। बिल्ला ये ना पहले जैसे अड्डी वगैरह लगवा देते ना वो थी, फिर हमने ये कटवा दी थी, हमको अच्छी नहीं लगी थी। ये भी हमने कटवा दी थी ये। और ये देखो, पहले घर में भगवान की मूर्तियाँ लगती थी। तो ये आपको दिख रही है क्या? नहीं। गाइस, मेरी हाइट कम पड़ गई है, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये है मेरा भतीजा जो जिद कर रहा है कि मुझे बोला हाय कर, हाय बोला, हाय करो, हाय कर, हाय नहीं करेगा वो हाय। सो ये देख सकते हो आप, श्री राम जी परिवार से ही थे मूर्ति। ये पहले बहुत ज्यादा, ये दीवार पहले फूट गई थी लेकिन अब दोबारा से दीवार हो गई है। और ये नाच की टंकी है जैसा कि गांवों में होती है अवेलेबल। इधर हमारा मंदिर होता था इधर, और इधर थोड़ा डेकोरेशन जो भी है। वो हमारा किचन था। काफी टाइम हो गया इधर से, मतलब 8-9 साल के समथिंग हो गए। ये मैंने कपड़े निकाल के रखे थे, ये एक्चुअली मेरी बीएड के कपड़े थे। तो कि भाई निशानी है मेरी बीएड की, तो मैंने इनको निकाल के रखा। पूरा मकान मतलब जंग खा गया, दीमक खा गया है।
ओके तो गाइस ये सामान है, वो अलवर, मेरे अलवर में रहती थी तब का, मम्मी निकाल रही है। ये आ गए चाचा जी। हेलो गाइस, कैमरा साफ नहीं आ रहा हमारा, हमारे चाचा बहुत स्मार्ट है पर दिखाई नहीं दे रहे। सच में बहुत स्मार्ट है। सफाई करिए। दीदी बैठी हैं अंधेरे कमरे में। दीदी की भी इस कमरे से बहुत सारी यादें हैं। दीदी पढ़ाई करती थी, जब भी पढ़ती नहीं थी तो मम्मी इसको आके जगाती थी और थप्पड़ मार के जगाती थी इसको। तो अपनी यादों का अनुभव कर रही हैं दीदी। सो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।